वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनीपाल गुनगुन सेविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बड़े साइज में 40 साइज में पतली शोल्डर पट्टी का स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग लेकर आई हूँ, जिसे आप ही के डिमांड, आपकी बहुत ज्यादा इसमें डिमांड थी कि आप बड़े नाप में हमें बताएं, तो मैंने ये बड़े नाप में वीडियो आपके लिए तैयार किया है ताकि आपको इसकी कटिंग में कोई दिक्कत ना आए। और अभी जो हमारा त्योहारों का सीजन है, तो लहंगे के साथ, साड़ी के साथ इस टाइप के ब्लाउज बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, इसलिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आए। छोटे नाप की वीडियो मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, हम 40 साइज का पतली शोल्डर पट्टी का स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग आपको मैं बताने जा रही हूँ, तो हम चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती है। देखिए, मैं आज आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहती हूँ कि जो हमारे छोटे नाप होते हैं उसके अंदर तो क्या होता है, शोल्डर की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं रहती, लेकिन जो बड़े नाप आते हैं उसमें क्या होता है, जैसे अगर हम शोल्डर कम करते हैं तो हमें आर्म होल कितना लेना चाहिए, क्योंकि हमको शोल्डर पट्टी पतली रखनी है और हमको शोल्डर तो वहां हम कम कर लेते हैं, लेकिन हमको कैसे पता चले कि हमको शोल्डर का जो नाप है, आर्म होल का नाप है, वो किस हिसाब से लेना है। तो मैं छोटा सा आपको ड्रॉ करके समझा रही हूँ, उसके बाद में आपको कटिंग बताऊंगी ताकि आपको कटिंग करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको नाप नोट कर लेना है। नाप जो हम ले रहे हैं 40 साइज के अंदर 15 लंबाई का नाप ले रहे हैं, सीना हमारा 40 इंच का है, कमर हमारी 38 इंच की है और शोल्डर हमारा लगभग 15 इंच का है। देखिए, वो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लंबाई में हमारा कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि लंबाई हम हमेशा 1 इंच बढ़ाकर कटिंग करते हैं। शोल्डर देखिए, जो हमारा शोल्डर यहाँ पे आया हुआ है, शोल्डर हमारा 15 इंच का है, तो 15 इंच में पहले तो आप 7.5 लीजिए। छोटी सी चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले आपको यहाँ पे शोल्डर कितना लेना है, 7.5 लेना है। आर्म होल यहाँ पे कितना लेना है, 8 इंच का लेना है। ठीक है, मेथड के अनुसार जो हम मेथड यूज करते हैं, मेथड के अनुसार शोल्डर का आधा लिया हमने और आधे में हम क्या जोड़ते हैं, हमेशा आधा इंच किसका जोड़ते हैं, आर्म होल में कटिंग का जोड़ते हैं। अब देखिए, जब भी आप पतली पट्टी का शोल्डर वाला पट्टी वाला ब्लाउज बना रहे हैं या कम शोल्डर वाला ब्लाउज बना रहे हैं, उसके लिए आप हमेशा याद रखें कि आप जो भी आपका शोल्डर है उस शोल्डर से आप लगभग 3 इंच शोल्डर कम ले लीजिए। यानी कि आपका शोल्डर 7.5 इंच का है, अगर आप 3 इंच इसमें कम करेंगे तो आपका जो शोल्डर आएगा वो कितने इंच का आ जाएगा, लगभग 4.5 इंच का। तो देखिए, अगर आप यहां से जब 4.5 इंच नापेंगे तो आपका शोल्डर कितना आ जाएगा, लगभग यहाँ पे 4.5 इंच का आ जाएगा। और जब आप इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे तो आपका जो आर्म होल रहेगा, आर्म होल में आपके कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। एक बार फिर ध्यान दीजिए, जब आपने पतली शोल्डर पट्टी का ब्लाउज बनाया तो आपका जो शोल्डर है वो कितना आ रहा है, 15 इंच का आ रहा है। 15 हो सकता है, और भी जो महिलाएं हैं जिनका साइज 40 है लेकिन शोल्डर कभी कभी किसी के ब्रॉड होते हैं, चौड़ाई में ज्यादा रहते हैं, तो हो सकता है 16 इंच का शोल्डर हो सकता है 17 इंच का शोल्डर हो। तो अगर आपका शोल्डर इस प्रकार से ज्यादा रहता है तो आपको शोल्डर में से आधा करके कितना माइनस करना है, 3 इंच कम करना है। तो आपका जो शोल्डर आएगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4.5 इंच का आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको आर्म होल जो है वो आर्म होल कितना रखना है, जो आपका प्रॉपर शोल्डर है उसमें आधा इंच बढ़ाकर ही आपको आर्म होल रखना है। उसके बाद में गले की चौड़ाई आपको कितने इंच पर कटिंग करनी है, लगभग 3 इंच पर कटिंग करनी है। गले की चौड़ाई का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करें आपको 3 से 3.5 इंच के अंदर ही कटिंग करनी है। तो देखिए, हमारा ये 4 से 4.5 इंच का हमारा शोल्डर आ रहा है और 3 इंच की हमको इसमें गले की चौड़ाई को कटिंग करना है। तो जो हमारी बीच की चौड़ाई बचेगी वो कितने इंच की बचेगी, 1.5 इंच की बचेगी। 1/4 इंच हम इधर सिलाई में देंगे, 1/4 इंच हम इधर सिलाई में देंगे, तो हमारी जो शोल्डर पट्टी रहेगी बिल्कुल स्टेप वाली 1 इंच की बचेगी। ठीक है, अगर इस प्रकार से आप इस मेथड को ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और जो आपके कंधा गिरने की प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। और हो सकता है नहीं भी हो कंधा गिरने की प्रॉब्लम, क्योंकि हमने शोल्डर को बहुत ज्यादा कम लिया है, जिससे आपका कोई भी खिंचाव, किसी भी प्रकार का खिंचाव इसमें नहीं आएगा। तो अब मैं आपको यही मेथड कटिंग करके बताती हूँ। देखिए, 15 इंच का हमारा ब्लाउज है तो हम 1 इंच बढ़ाकर लंबाई लेंगे, यानी कि हमारी लंबाई कितनी इंच की आ जाएगी, 16 इंच की आ जाएगी। अब जो हमारा सीना है वो 40 इंच का है, आपकी लंबाई आपके हिसाब से, नाप के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अब हमारा यहाँ पे जो शोल्डर है वो 15 इंच का है, 15 का हम आधा करेंगे तो हमारे पास शोल्डर कितने इंच का आएगा, 7.5 इंच का आएगा।
तो आरमोल हम यहाँ पर कितने इंच का लेंगे, लगभग 8 इंच का लेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो हमारी बगल वाली साइड है वो थोड़ी सी हैवी है, तो इसीलिए हमने क्या करा है, आरमोल को कितने इंच पर ले लिया है, 8 इंच पर ले लिया है। अब देखिए लगभग 3 इंच हमको शोल्डर कम करना है, तो आप समझिए, देखिए मैंने 3 इंच यहाँ पर पीछे से 3 इंच कम किया है, तो आप इस शोल्डर को यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे आपको कितना लेना पड़ेगा, 8 इंच का आरमोल लेना पड़ेगा। देखिए अगर आपको और पट्टी थोड़ी सी चौड़ी, अगर 1 इंच की पट्टी रखनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 1 इंच की पट्टी ज्यादा पतली है, आपको 1.5 इंच की रखनी है, तो आप शोल्डर में से 2.5 इंच भी कम कर सकते हैं। 2.5 से 3 इंच के बीच में आपको शोल्डर कम करना पड़ेगा पतली पट्टी के ब्लाउज में। देखिए अब हमको ये यहाँ पे नाप लगाना है, ये हमने यहाँ पे नाप लगाया, ये हमारा लगभग 1.5 से 2 इंच का हम बैक साइड पे लेंगे कटिंग, और इस निशान को हम इस प्रकार से मिला देंगे। ये देखिए, देखिए ये हमने यहाँ पे 4.5 इंच हमारा 3 इंच कम कर दिया, तो हमारा 4.5 इंच शोल्डर आया। 3 इंच पे लगभग हमने गले की चौड़ाई को लिया है, और जो हमारा नीचे का गला है वो लगभग 11 इंच का हमने फुल डीप गला लिया हुआ है। अब इस डीप गले को आपको अपनी चौड़ाई के हिसाब से ही इस गले को शेप देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे गोलाई में शेप दिया है इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से आपका शेप आएगा। सीना जो हमारा है 40 इंच का है, तो हमारा ये बॉडी मेजरमेंट है, तो हमने 1/2 इंच लूजिंग का रखा है और 1.5 इंच हमने इसमें मार्जिन का रखा है। कमर हमारी 9.5 इंच पर है, यानी कि 38 इंच पर है। 1 इंच हम टक्स का लेंगे तो 10.5 इंच पर हमारी कमर आएगी, ये देखिए 10.5 पर, और 1.5 इंच हम मार्जिन का लगाएंगे। ये दोनों निशानों से निशान हम मिला लेंगे, और देखिए गले की जो चौड़ाई है वो हमारी 3 इंच पर हमने ली हुई है, और अगर आपको इससे भी पतली पट्टी चाहिए तो आप 3.25 पर भी गले की चौड़ाई को ले सकते हैं। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। 4 इंच पर लगभग हम टक्स का निशान लगाएंगे चौड़ाई का, और 4.5 इंच लंबा हम इसमें टक्स डालेंगे। ये देखिए, ये तो हुआ हमारा बैक साइड वाला पोर्शन। आपको जब भी आप डीप गला काटे, जब भी आप छोटी पट्टी का, छोटी शोल्डर पट्टी का ब्लाउज कटिंग करें, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप यहाँ पे पट्टी शोल्डर तो बराबर ले रहे हैं, लेकिन जो आर्म होल के कटिंग है उसको आपको बिल्कुल आर्म होल के हिसाब से ही लेना है। जो आपकी फुल लेंथ है उसके फुल शोल्डर वाला जो नाप है उसके हिसाब से ही आपको इसमें रखना है। आप ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे 4.5 लिया, यहाँ 5 लिया, तो वो क्या होगा, आर्म होल आपको फंसने लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बैक साइड है, अब मैं आपको इसमें फ्रंट साइड की कटिंग बताती हूँ। फ्रंट साइड में भी आपको इसी प्रकार से लेना है। देखिए फ्रंट साइड में भी हमने 4.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाया, और लगभग 8 इंच पर, 8 इंच पर हम आर्मोल का निशान। साइज बड़ा है, बार बार मेरे बोलने का कारण यही है कि साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, तो आपको ये ध्यान रखना। ये देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच पर कटिंग ली है, सीना हमारा यहाँ पे कितने इंच का आएगा, 10 इंच, 10.5 इंच पर 1.5 इंच का हमारा मार्जिन रहेगा। लंबाई हमारी यहाँ पे 16 इंच की थी, क्योंकि हमने 15 इंच में 1 इंच बढ़ा के लिया है। ये हमारा बॉटम का निशान कमर वाला। देखिए यहाँ पे हमारी कमर है 38 इंच की, तो हमने 9.5 लिया, 1.5 इंच का हम इसमें टक्स का निशान डालेंगे, तो लगभग 11 इंच पर हमारी फिटिंग का निशान आएगा, और लगभग 1.5 इंच पर हम इसमें मार्जिन का निशान लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमारा फ्रंट का नाप लगाएंगे हम। गले की जो चौड़ाई है हमारी वो लगभग 3 इंच पर, जो हमने पीछे की तरफ कटिंग करी है वही हम आगे की तरफ करेंगे। देखिए यहाँ पे भी मैं फुल डीप गला 7.5 पर ले रही हूँ, 3 इंच की चौड़ाई पर ही हमें गले को लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा बड़ा नाप है उसके लिए हमको क्या करना है, लगभग 4 इंच पर कटिंग देनी है। प्रिंस कट का जो निशान लगाना है वो लगभग 4 इंच पर लगाना है, और ऊपर से जो हम निशान लेंगे वो लगभग कितने इंच पर लेंगे, 11.5 इंच पर लेंगे, क्योंकि हमारी लंबाई बढ़ गई है इसीलिए हमें 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और ये निशान हम गोलाई में आर्म होल की तरफ मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पे लगभग 1.5 से 1.75 इंच का, देखिए ये जो हमारा बड़ा नाप है इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बड़े नाप में कटिंग करें 1.5 इंच की आपको यहाँ पे टक्स का निशान लगाना है, 2 इंच का आपको लगभग सीधा निशान, और उसके बाद आपको ये शेप वाला निशान मिलाना है। ये देखिए इस प्रकार से आपको इस निशान को मिलाना है, ताकि आपकी इसमें कोई भी गड़बड़ ना हो और आपकी फिटिंग भी इसमें प्रॉपर आए। मैंने देखिए आपको बैक और फ्रंट की कटिंग बता दी है। एक बार फिर आपको मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि जब भी आप पतली पट्टी का बनाएं तो इस चीज का ध्यान रखें कि शोल्डर आपको कम लेना है, लेकिन आर्म होल आपको
बड़े नाप के हिसाब से ही लेना है, जो कि हमारा फुल शोल्डर है उसके नाप के हिसाब से ही आपको शोल्डर लेना है। और देखिए एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप पतली शोल्डर पट्टी वाला ब्लाउज बनाते हैं, जैसे कई लोग होते हैं कि साटन में बना लिया और उसमें सिंगल अस्तर लगा दिया, पतला अस्तर लगा दिया, तो उससे भी कपड़ा क्या होता है, कपड़ा नाजुक रहता है तो वो खसकता ही है। जब भी आप इस तरीके के डीप नेक वाले ब्लाउज बनाए तो उसमें क्या है, आप कपड़े को थोड़ा सा मोटा यूज करें। अगर आप थोड़ा सा कपड़ा अच्छा यूज करेंगे तो आपके जो शोल्डर खसकने की प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक कम होगी। तो इन चीजों का आप हमेशा ध्यान रखा कीजिए। और जब भी आप इस तरीके का डीप नेक वाला ब्लाउज बनाए तो मैंने बार बार आपको कहा है, गले की तरफ आपको थोड़ा सा झुकाव देना है आधा पाव इंच का, ताकि क्या हो, वो आपके गले पे फिट हो जाए और किसी भी प्रकार का इसमें शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आपकी ना आए। और जो ये आर्मोल की जो स्टिचिंग है, इसको आप या तो अस्तर में पलटकर भी तैयार कर सकते हैं। मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको पाइपिंग के द्वारा भी बताया है, आप पाइपिंग के द्वारा भी आर्मोल को तैयार कर सकते हैं। दोनों ही प्रकार से आप इसे तैयार कर सकते हैं। और जो महिलाएं, जो बहनें हमारी बार बार वी नेक वाला जो ब्लाउज है उसकी स्टिचिंग के बारे में हमसे जानना चाहते थे, स्टिचिंग बताने के बारे में उनके कमेंट आ रहे थे, तो हमने वो वीडियो तैयार कर लिया है, वो अपलोड हो चुका है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं ताकि आपको भी स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए और आप उसे सिल सके। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।